सो गाइस, तो जैसे कि आपको पता होगा मैं अपनी प्लेलिस्ट है वहाँ सेल करता हूँ, रिकॉर्ड भी उसी प्लेलिस्ट पे सेल करता हूँ जिसमें मेरे हॉट क्यू लूप लगे होते हैं। बट मेरे पास ये बहुत टाइम से ऐसा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे अलग व्यूअर भी पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो मेरी प्लेलिस्ट परचेस करते हैं वहाँ भी पूछ रहे हैं कि सर आप जो हॉट क्यू है, जो लूप है, वो आप किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट यदि आपको भी लगाना सीखना है कि आप किस तरह से अपने हॉट क्यू लगा सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको यहाँ भी एक्सप्लेन करने वाला। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या राइट वे है हॉट क्यू लगाने का, इसके अलावा हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि आपके हॉट क्यू खराब हो चुके हैं, लूप कभी गलत जगह लगाए हैं, तो प्रॉब्लम यह आती है कि आपकी मिक्सिंग सही नहीं होगी। तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे, स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस, तो चलिए हम देखते हैं कि जब भी मैं हॉट क्यू लूप लगाता हूं तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखता हूं। इसके लिए यदि आपको भी लगाना है तो आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी हम मिक्सिंग करते हैं तो हम बीट, बार एंड फ्रेज काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए बीट, बार, फ्रेज क्या हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर हम रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर ही चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि आपको किस तरह सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारी पूरी एक बीट है, ठीक है। यहाँ पर पूरी एक बीट है, बट इसे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यह हमारा पूरा एक बार बन जाएगा। मतलब एक बार में आपके पास 4 बीट हो जाएगी। और वैसे बार को गिनेंगे 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो ये हमारा पूरा एक फ्रेज बन जाएगा। तो बेसिकली जब भी हम मिक्स करते हैं तो हमारे दिमाग दिमाग में पूरी एक काउंट चलता रहता है, ठीक है। उसी हिसाब से हम मिक्सिंग करते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो एक फ्रेज में कितनी बीट होती है, तो यहाँ पर एक जो बार है उसमें 4 होती है। तो आप इसका इंटू कीजिए, मतलब कि जो मल्टीप्लाई हुआ कीजिए, तो हमारी 16 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी काउंटिंग हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारा रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें किस तरह सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बीट पर लूप लगा देता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आए। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यह हमारी पूरी एक बीट है। प्ले करके दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे देख सकते हैं, यह हमारी पूरी एक बीट है। यदि मुझे बार करना है तो जैसे कि वो पता होगा एक बार में 4 बीट आती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 4 बीट पर, 1 बीट 2 बीट 3 बीट 4 बीट। तो आपको याद रखना, कई मेरे स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम आती हुआ इस तरह से गिनते हैं 1 बीट 2 बीट 3 बीट 4 बीट, बोलते सर ये 4 बीट है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक पूरी हमारी एक बीट है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी 4 बीट हो गई, मतलब एक बार हो गया। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, जैसे देख सकते हैं यह हमारा पूरा एक बार है। इसके अलावा फ्रेज को भी पता करना, तो कैसे करेंगे, 4 जो हमारे बार होते हैं उसके मिलकर एक फ्रेज बनता है। तो यहाँ पर 2 बार हो चुके हैं और ये 4 हो चुके हैं, मतलब 1 2 3 4। कितनी बीट होती है इसमें, 16 बीट होती है। एक बार में 4 बीट, ठीक है, तो 4 बार में 16 बीट, मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरह से हमारा क्या है, पूरा हमको पता रहना चाहिए। जब भी हम मिक्सिंग करते हैं तो यह हमारी काउंटिंग पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही मिक्स करते हैं। तो यह हमारी फ्रेज टू फ्रेज, हम जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो मैंने कितने फ्रेज बार मैंने मिक्स किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर काउंट कीजिएगा, 4 बार हो चुके हैं, 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 फ्रेज है पूरे, उसके बाद में सॉन्ग को मिक्स कर रहा। तो मुझे पता है सारी काउंटिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी पता होनी चाहिए जब भी आप हॉट क्यू लूप लगाते हैं। तो इसके बाद हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे कि आपने सोचा होगा कि सर ने यहीं से ही क्यों स्टार्ट किया है, ठीक है, अन्य यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट बीट कहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, प्ले करता हूँ तो ये हमारी फर्स्ट बीट है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट बीट पर ही लगाना, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो देखिएगा, प्ले कर रहा है, फिर स्टार्ट हुई है। तो मतलब हमारी फर्स्ट बीट को हमको हमें पता करना है। ये बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम आती है, बट टाइम जब हो जाएगा आपको तो आप अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि ये सुनने के बाद आपको समझ में आती जाएगी धीरे धीरे। शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम आती है, इस बात का मुझे ही पता है, ठीक है। बट जब आप ज़्यादा सॉन्ग सुन लेंगे, आप ध्यान देंगे, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा फर्स्ट बीट पर मैंने लगाया है। देखिए, सबसे जो बड़ी बीट है वह हमारी फर्स्ट बीट होती है, ठीक है, इस बात का याद रखना है। देखिएगा, ये फर्स्ट बीट, यदि आप यहाँ लगाते हैं तो फिर आप जब मिक्सिंग करेंगे तो आप में थोड़ी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। अब इसके बाद हमें सॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, बट सॉन्ग स्ट्रक्चर इतना आसान नहीं समझना, क्योंकि सॉन्ग स्ट्रक्चर हर सॉन्ग के डिफरेंट रहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि जैसे कि आपको पता होगा बीट, बार, फ्रेज के बारे में भी हमने सीखा, तो ऐसा भी नहीं कि 2 फ्रेज का ही इंट्रो होगा, 2 फ्रेज का ही वर्स होगा, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं रहता। सब कुछ सॉन्ग पर डिपेंड करता है, और मोस्टली सॉन्ग के, हर सॉन्ग के जो स्ट्रक्चर हैं वह अलग ही होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं
डीजे, बट हम जब भी समझने की कोशिश करते हैं एक बेसिक सॉन्ग स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो जब भी आप कन्फ्यूज हो तो इतना कन्फ्यूज मत होना, बस ये समझ लेना कि थोड़ा सा आप जब भी आगे बढ़ते जाएंगे तो आप सीखते जाएंगे, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिल्कुल जो बेसिक जो बॉलीवुड के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कमर्शियल इंग्लिश के स्ट्रक्चर होते हैं वह किस तरह से। तो जो बेसिक आप यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि यही होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हो सकती है, हट भी सकती है, सब सॉन्ग पर डिपेंड करता है, बट जो बेसिक है, जो जनरल स्ट्रक्चर है, हम सिर्फ वही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह इंट्रो है, ठीक है। इंट्रो के बाद आता है वर्स, ठीक है। इसके बाद हमारा कोरस, कोरस से पहले प्री कोरस भी आ सकता है, इसके अलावा फिर से वर्स आ जाएगा, ये क्या हो सकता है, जो हमारा ब्रिज है ये पहले आ जाएगा। तो ये सब कुछ सॉन्ग पर डिसाइड होता है कि वो हमने सॉन्ग किस तरह से डिजाइन किया है, ठीक है। बट आपको इसमें इतना ही नहीं, आपको यहाँ भी देता है, जैसे भी आपको पता होगा बीट बार फ्रेज, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यह दो फ्रेज का ही इंट्रो रहेगा, ये चार का भी हो सकता है, या चार बार का भी हो सकता है, ये चार फ्रेज का भी हो सकता है, ये सिर्फ दो बार का भी हो सकता है, या एक बार का भी हो सकता है, तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना बड़ा इंट्रो है। वैसे ही हमें वंस को भी चेक करना पड़ेगा कितना बड़ा वंस है, कितने फ्रेज का है। इसके अलावा वैसे हमें कोरस को भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें दो फ्रेज देखने को मिलते हैं कि मिक्स करने के लिए एक फ्रेज देखने को मिलता है, और इसीलिए तो हमारे जो होट क्यू लूप लगाते हैं कि आपको पता लग जाए कि यहाँ पर हमारे पास इतना वंस है, इतना कोरस है, इतना हमारे पास इंट्रो है, जिससे आपको पहले ही पता लग जाता है, क्योंकि हम इतने सारे सॉन्ग का पता नहीं रख सकते हैं कि कहाँ पर हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सो गाइस, तो चलिए हम देखते हैं रिकॉर्ड बुक्स में हमें किस तरह सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो जैसे कि हमारे पास पूरा सॉन्ग है, ठीक है, तो मैं आपको इंट्रो दिखाता हूँ, यहाँ पर हमें कितना बड़ा इंट्रो देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, देखिएगा, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बस दो फ्रेज का इंट्रो देखने को मिलता है, मतलब आठ बार का। कन्फ्यूज मत होइएगा, जब आप ये सारी चीज़ करते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वोकल आ जाती है, ठीक है। तो आपको पता है वोकल से पहले आपको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर जो इंट्रो है हमें दो फ्रेज मतलब आठ बार का देखने को मिलता है। फिर हमारे पास यहाँ पर वोकल स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पूरा कोरस भी देखने को मिलता है, कोरस भी दो फ्रेज का। तो यहाँ पर हमारे पास खाली बीट है, तो हम यहाँ पर मिक्सिंग करना पसंद करेंगे। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ पहले ही चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ देख ली, हमने सबसे पहले बीट बार फ्रेज के बारे में समझा, फिर हमने फर्स्ट बीट के बारे में समझी, और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास किस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है सॉन्ग का। तो हमने तीन चीज़ हमको ध्यान में रखनी है जब भी हम होट क्यू लूप लगाते हैं। तो इसके अलावा कई बार जो स्टूडेंट है या बहुत सारे बिगनर डीजे इस बात पर कन्फ्यूज रहते हैं, जैसे कि हमने भी यहाँ सीखा इंट्रो वर्स कोरस किससे बोलते हैं, वही बात कर रहे हैं ईडीएम सॉन्ग के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर आपको इंट्रो, फिर ब्रेकडाउन, बिल्डअप, ड्रॉप, इस बात पर जो अलग अलग प्रकार से नाम बुलाते हैं इस पर कन्फ्यूज रहते हैं। तो इस पर आपको इतना कन्फ्यूज नहीं होना रहता, सब कुछ सेम ही है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा रिकॉर्ड बुक जो सॉफ्टवेयर है उस पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमारा रिकॉर्ड बुक सॉफ्टवेयर है, अब जैसे कि हमारा यह सॉन्ग है, तो यह हमारा बेसिकली इंट्रो चल रहा है, यहाँ पर फ्रेज गिन लिए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर भी हमें दो फ्रेज देखने को मिलते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ब्रेकडाउन आ चुका है, और वहीं हम बात करें यहाँ पर तो बिल्डअप आ चुका है, और ये हमारा ड्रॉप आ चुका है। तो रहता सब कुछ सेम ही है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। जब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, बट मुझे पता है थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, बट जब भी आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे समझ में आने लगेगा, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। सो वैसे जब भी आप होट के लूप डिज़ाइन करने का सोचे तो आपको इन बातों का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यदि आपने आधा फ्रेज का ले लिया और आधा फ्रेज दूसरे का ले लिया तो वहाँ भी गलत है, वहाँ भी थोड़ा सा आपको मिक्सिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने होट क्यू किस तरह डिज़ाइन करता हूँ, किस तरह से कलर का यूज़ करता हूँ, और कौन से होट क्यू मैं कहाँ पर लगाता हूँ। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ मेरे पूरे होट क्यूज़ है, और यहाँ पर मैंने अलग अलग जो कलर्स हैं उनका यूज़ किया है, और इसके अलावा मैंने अलग अलग होट क्यू का यूज़ किया है अलग अलग टाइम के लिए। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। इसके अलावा यदि आप मेरी प्लेलिस्ट परचेस करते हैं रिकॉर्ड बुक्स वाली, जिसमें होट क्यू लूप भी होते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे समझिएगा, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो जैसे कि यहाँ हमारा जो ये पहला वाला होट क्यूज़ है उसका जो कलर है ग्रीन, तो बेसिकली यह हमारा इंट्रो का होगा पहली थिंग, और जो दूसरी थिंग यह हमारे पास खाली बीट होगी। तो जैसे कि जब भी आप इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे और इस कलर का देखेंगे तो मतलब यहाँ पर खाली बीट है और यह हमारा इंट्रो है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड होट क्यू है इसका मतलब यहाँ हमारा कौन सा कलर है, यहाँ पर येल्लो कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम येल्लो कलर देखेंगे तो समझ लीजिएगा यहाँ पर बस वोकल होगी और वर्स होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है दो चीज़, पहले वोकल
और वर्स दूसरी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी पूरी वोकल स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा थर्ड वाला जो हर्ट क्यों होगा, वह बेसिकली हमारा कोरस तो होगा बट कोरस में भी वोकल होगी, मतलब कि पहली चीज कोरस होगा मतलब मिक्स कर सकते हैं बट उसमें भी वोकल होगी। तो हमारा थर्ड वाला हर्ट क्यों यदि रेड कलर का है तो यह समझिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा फोर्थ वाला है वो हमारा ब्लू कलर का है। तो यहाँ पर आपको समझना है या कोरस होगा या आप जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है तो समझ लेंगे आप, या ड्रॉप होगा या बीट होगी खाली, और बेसिकली यहाँ पर कोई भी वोकल नहीं होगी जब भी हमारा ब्लू वाला होट क्यों यहाँ पर लगेगा। तो मतलब कि आप एक प्रकार से कोरस भी बोल सकते हैं, ड्रॉप भी बोल सकते हैं, बट खाली बीट होगी। इसमें ऐसा नहीं कि कोरस है तो यहाँ पर वोकल होगा, मतलब यहाँ पर जो ब्लू वाला होट क्यों है मतलब खाली बीट होगी और कोरस बोल सकते हैं, ठीक है। एक प्रकार से ईजी होगा समझने के लिए, ये समझ लीजिएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, इंट्रो खाली बीट हमारा ग्रीन कलर के लिए, सेकंड वाला हमारा जो येलो कलर है यहाँ पर हमारे पास वोकल है और वर्स है, ठीक है। तीसरी वाला जो हमारा यहाँ पर कोरस है और यहाँ पर वोकल है, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ वाला जो हमारा ब्लू वाला है यहाँ पर बस खाली बीट है और कोरस है या ड्रॉप है, ये समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ रिपीट होती है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्स और वोकल, मतलब यहाँ पर वर्स वोकल बट सेकंड वर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे देख सकते हैं मैंने ब्लू लगाया है यहाँ पर, ठीक है। मतलब क्या होगा आपको बताया मैंने, ड्रॉप हो सकता है मतलब कि यहाँ पर कोरस हो सकता है और खाली बीट हो सकती है, ठीक है। ये क्योंकि रेड होता तो क्या समझ सकते थे आप, यहाँ पर वोकल होगी और कोरस होगा बट यहाँ पर ब्लू है तो आप समझ सकते हैं खाली बीट है, मतलब बहुत अच्छे से आप मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही सेम है। इसके अलावा यह क्या चीज़ है, तो क्या होता है कई सिचुएशन ऐसी रहती है कि यहाँ पर हमारे पास वोकल आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा प्री इंट्रो है, मतलब कि आप एक प्रकार समझ सकते हैं इजी हो जाएगा, प्री इंट्रो है यहाँ भी हमारे पास। अब आपको याद रखना है जितने मेरे हॉट क्यूज लूप लगे होते हैं सब कुछ काउंटिंग में रहते हैं बीट बार फ्रेज की, तो आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं आने वाली जब भी आप मिक्स करेंगे। यहाँ से मिक्स कर सकते हैं, यहाँ से मिक्स कर सकते हैं, तो आप प्री यहाँ पर प्री इंट्रो से मिक्स कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यह किस लिए है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ से मिक्स करना पड़ जाए तो इसे भी आप इंट्रो समझ लीजिए और साथ में आप यहाँ बिल्कुल खाली बीट होगी यदि इस कलर का होगा तो। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था सॉन्ग का स्ट्रक्चर कभी भी सेम नहीं रहता है, तो जैसे कि कई बार क्या होता है, कई बार सॉन्ग में ऐसा होता है कि पहले से ही हमारे पास वोकल आ जाती है, तो आपको पता तो यह इंट्रो है बट वोकल से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ लगाया, ठीक है, बट हम इसी कलर को यूज करेंगे तो इसलिए मैंने आपको बताया था यहाँ तो सिर्फ हमारी बीट का कलर है बट हमको पता है कि यहाँ से वोकल आ रही, तो हमारा जो क्या होगा जो कलर है वहाँ चेंज हो जाएगा बट जो हमारा इंट्रो है वो तो हमको पता है, तो यहाँ हमारा इंट्रो आ गया है बट यहाँ पर जो हमारा कलर येलो आ जाएगा यहां पर भी, तो बेसिकली हमको पता लग जाएगा कि यहां पर कलर येलो है मतलब कि यहां पर वोकल से स्टार्ट हो रहा हमारा इंट्रो। तो हम क्या करेंगे, हम प्री इंट्रो जो है वहां से मिक्स करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है यदि वोकल से वोकल मिक्स करेंगे तो वह क्लेस होगी और वह अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्री इंट्रो है हम उस पर प्रेस करेंगे और वहां से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा बीट है, तो बेसिकली आपको पता है कि यहां पर हमारा कलर चेंज नहीं हुआ मतलब यहां पर हमारी बीट है, ठीक है। तो यहां से बीट से हम वोकल को मिक्स करेंगे आने वाले सॉन्ग की, तो उस तरह से मिक्स कर पाएंगे। तो हर प्रकार से हमारे जो कलर वह चेंज होते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो मिक्स करने की जो जगह है वहाँ नहीं रहती, तो हमको एक्सेप्शनल केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक पूरा हमने यहाँ पर या अलग कलर का यूज़ कर रखा है। तो जब भी आप मेरे जो सॉन्ग है उसमें होट के कुछ इस कलर का देखेंगे तो यह हमें क्या बता रहा है, तो बेसिकली यह बता रहा है कि आपको यहाँ से क्या करना है, सॉन्ग को उठा के जो कोई भी जो कोरस वाला हमारे पास होट क्यू है उसको प्रेस करना है और फिर वहाँ से सॉन्ग को मिक्स करना स्टार्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ से हमारे सॉन्ग है वहाँ कट करना है। तो कभी भी आप मेरा इस तरह का कोई हमारा हॉट क्यू देखें जो मेरे सॉन्ग में दिखेगा जब भी आप मेरी प्लेलिस्ट परचेस करें तो आप समझ जाइए कि यहाँ से हमें कट करना है सॉन्ग को और हमें कोई भी हॉट क्यू दबाना है बट वह कोरस वाला होना चाहिए क्योंकि हम कोरस से ही मिक्स करते हैं, या खाली बीट वाला होना चाहिए हम वहीं से मिक्स करते हैं। अब गाइस हम वही चीज़ सारे हमारे सॉफ्टवेयर पर देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ सॉन्ग है पूरा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहला हॉट क्यू मैंने यहाँ पर लगाया है इस कलर का है, मतलब किसी ने आपको बताया था पूरी खाली बीट है, तो जैसे देख सकते हैं खाली बीट चल रही है पूरी, यहाँ पर हमें चार फ्रेज देखने को मिल रहा है इंट्रो में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको दो फ्रेज पे मिक्स करना चार फ्रेज पे मिक्स करना है, यह आपके ऊपर है, बट आपको पता होना चाहिए कि एक फ्रेज पे मिक्स कर रहे हैं कि दो फ्रेज पे मिक्स कर रहे हैं। आपको जब भी आप मिक्स करें तो स्मूथ होना चाहिए, किसी को पता नहीं लेना चाहिए कि आप मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद आपकी मर्जी कि आपको कितने फ्रेज पर मिक्स करना है। तो जैसे कि हमारे पास ये चार फ्रेज है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे कि येलो कलर किस रिलेटेड है, तो जिसके आपको बताया था वोकल आने वाली है, तो यहाँ पर वोकल आने लगी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड हॉट क्यू मेरा किस कलर का है, जैसे कि यहाँ पर रेड कलर
कलर का रहता था, बट यहाँ पर किस कलर का है? ब्लू कलर का है। मतलब कि इसी में आपको बताया था कि ड्रॉप हो सकता है, उसमें खाली बीट ही होगी। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कलर है वह चेंज हो चुका है, और यहाँ पर भी हमारा कलर किस कलर का है? ब्लू कलर का। मतलब दोनों जगह हमारे पास क्या है? बीट है। और वहीं देखेंगे तो यहाँ पर वोकल आ चुकी है, मतलब वर्स आ चुका है सेकेंड। तो इस तरह से हम पहले ही सब कुछ पता कर लेंगे। यहाँ पर आवाज़ बीट है, यहाँ भी बीट है, और इसके अलावा जैसे कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर वोकल आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो प्री इंट्रो है उससे ही स्टार्ट कर देंगे सॉन्ग को। तो कुछ हमें सब कुछ पहले से ही पता रहता है। हम कुछ और सॉन्ग और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ सॉन्ग है, ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पर पूरी बीट आ रही है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास वोकल आ रही है। बट यहाँ देखेंगे तो दोनों जगह रीड है, तो मतलब कि हमको पता है कि यहाँ पर दोनों जगह क्या है? वोकल आ रही है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर रीड लगाया है। बट आप मिक्स कर सकते हैं क्योंकि यह कोरस ही प्रकार से चल रहा है। तो कुछ इस तरह से हमने हमारे होटक्यू से वह डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है यहां पर कि कई बार मैं हेडकट करके दूसरी जगह जाता हूं, तो इस तरह से मैं अपने जो होटक्यू से वह डिजाइन करता हूं। सो गाइस, मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं अपने जो होटक्यू से किस तरह डिजाइन करता हूं, कलर का क्या मतलब है, कहां पर मैं किस तरह के होटक्यू लगाता हूं, कलर बदल जाते तो किस तरह से क्या चीज रहती है। इसके अलावा मैंने आपको इस वीडियो में यह भी बताया कि यदि आपको होटक्यू अपने डिजाइन करने हैं तो किस तरह की चीजें आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है यहाँ पर डाउट है मुझे, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। इसके अलावा ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं, उसके अलावा दोस्त को जरूर कीजिएगा जिससे उसे भी हेल्प मिलेगी और जो अपने चैनल की रीच है वहां भी ज्यादा होगी। इसके अलावा ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू।